Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों इथेरियम जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमर्शियलाइज्ड ब्लॉकचेन्स में से एक है वो फिलहाल अभी एक मेकओवर के इंतजार में है। इथेरियम को इको फ्रेंडली बनाने के लिए उसके डेवलपर्स अब उसे एक प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग मॉडल पर शिफ्ट करने वाले हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक एक कंसेंसस एल्गोरिथम होता है जिसमें ब्लॉकचेन के माइनर्स को या फिर वैलिडेटर्स को घंटों घंटों तक एडवांस्ड कंप्यूटर्स पर नहीं बैठना पड़ता। एक सिंपल से 25,000 रुपए के लैपटॉप से भी जो प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग है वो की जा सकती है, बशर्ते कि जिस ब्लॉकचेन पे आप माइनिंग कर रहे हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल को सपोर्ट करता हो। क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग करने के लिए हाई फाई इलेक्ट्रिसिटी पी जाने वाला इक्विपमेंट नहीं लगता, इसलिए उसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग जो कि बिटकॉइन जैसी ब्लॉकचेन इस्तेमाल करती है उससे काफी हद तक बढ़िया होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतनाज और आज के क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग के बारे में और डिटेल में। आज की डेट में एस्टिमेट किया जाता है कि दुनिया भर में कम से कम 1,000 ब्लॉकचेन नेटवर्क्स तो भाई बन चुके हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स जो है वो माइनर्स को या वैलिडेटर्स को उसी ब्लॉकचेन पे जो नेटिव कॉइन्स हैं उनको स्टेक करके उसी पे हो रही ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने की पावर देती है। जब आपके पास जितनी मात्रा चाहिए उतने कॉइन्स आपके क्रिप्टो वॉलेट में होते हैं तो आपका कंप्यूटर एक नोड बन जाता है जो ब्लॉकचेन पे उन कॉइन्स को स्टेक करके आगे फिर क्रिप्टो माइनिंग को कर सकता है। एक नोड एक बारी में उतने ही नए ब्लॉक्स ऐड कर पाएगा अपनी प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पर जितने की उसके नंबर ऑफ स्टेक्ड कॉइन्स से प्रोपोर्शनल हो। वैलिडेटर्स को यहाँ पे मिलते हैं भाई ब्लॉक रिवॉर्ड्स और उनको ट्रांजैक्शन फीस का भी हिस्सा मिलता है जो कि इकट्ठा होती है पर ब्लॉक बेसिस पर। जहाँ बिटकॉइन अपने हाई पावर कंज्यूमिंग और हाई मेंटेनेंस प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल की वजह से बदनाम हुआ पड़ा है, वहीं कई ब्लॉकचेन्स जैसे कि तेजोस, एवलांच, कार्डानो, पॉलीगॉन, सोलाना और पोल्काडॉट तीन ब्लॉकचेन्स के टैग से अब इंडस्ट्रियल प्रेफरेंस बन रही हैं। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स एडवाइजरी एसएएस द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट जो कि पिछले दिसंबर में आई थी उसके अनुसार तेजोस के ब्लॉकचेन पर कुल 50 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए भाई और उसका टोटल जो एनर्जी फुटप्रिंट था वो केवल 17 वर्ल्ड सिटीजन के बराबर था। जैसे जैसे क्रिप्टो और ओवरऑल जो वेब 3 इंडस्ट्री है उसकी अडॉप्शन बढ़ रही है वैसे वैसे जो ग्रीन प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है उनकी भी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। अभी यूएस का न्यूयॉर्क नॉन ग्रीन क्रिप्टो माइनर्स को और प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो माइनर्स को अपने रीजन में बैन करने के बारे में सोच रहा है भाई। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से इंडिया में क्रिप्टो माइनिंग का उतना तगड़ा सीन तो नहीं बन रहा है, पर तेजोस इंडिया और पॉलीगन जैसे प्रोडक्ट्स इंडिया में ग्रीन ब्लॉकचेन का बेस बना रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं तेजोस के प्रेसिडेंट ओम मालविया और उनसे हमारा ये सवाल है कि भारत को प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग के पीछे क्यों ज्यादा जोर देना चाहिए। Well, I think India should really bet big on proof of stake mining, or in proof of stake, the mining is usually called something as validating, or in networks like Tezos, it's called baking. So, proof of stake is not a new concept. It is relatively an older concept, and it's not something as of a new technology which blockchains are going to test out and see what happens. Instead, this proof of stake has been proven by networks such as Tezos, who came with the idea to adopt proof of stake in 2014 and has been running live since 2018 without any disruption. Now, proof of stake also is a very energy efficient mechanism. If you were to put into perspective a transaction or minting just one NFT on a proof of stake platform like Tezos might cost millions times less energy than minting it on Bitcoin and Ethereum. And Ethereum has also been planning since last 5-6 years to become proof of stake, which the process is still ongoing and might see in another 3-4 years the proof of Ethereum being proof of stake compatible. But nevertheless, I think this is the right approach to take for all the blockchain network, and this is also the right approach that every enterprise, individual, startups and government should focus on to even incentivize proof of stake operations, proof of stake people who are running proof of stake validators,
and fundamentally focus on growing all the applications that are going to be built on top of blockchain. That those applications should be built on proof of stake blockchains such as Thesis and soon to be proof of stake Ethereum. आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलावों की ओर जिनसे क्रिप्टो के जगत पर काफी प्रभाव पड़ा है पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो की मार्केट लो होने के बावजूद जो इंडस्ट्री है उसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बटोरा। बाइनेंस के 2x ऑफिशियल्स ने $100 मिलियन का एक फंड ओपन किया जो कि वो मेटावर्स में और क्रिप्टो अडॉप्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाना चाह रहे हैं। डैपर लैब्स और ड्रैगनफ्लाई कैपिटल जैसी फर्म्स ने भी $725 मिलियन और $600 मिलियन पैसा क्रिप्टो इंडस्ट्री में लगा दिया भाई। दोस्तों एक तरफ जहां क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स की वर्षा हो रही है, दूसरी तरफ वहीं इंडिया अपने क्रिप्टो रूल्स के और करीब जा रहा है। इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT 1 जुलाई को पहले एक FAQs की लिस्ट रिलीज करने वाला है जिससे लोगों को क्रिप्टो टैक्सेस और शायद वर्चुअल एसेट्स के क्लासिफिकेशंस में भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फिलहाल चल रहे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से इन्वेस्टर्स में लो रिस्क एपेटाइट चल रही है जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो सेक्टर थोड़े प्रेशर में है, जो सेंटिमेंट थोड़े दिनों में उनका मानना है कि फेड हो जाएगा। इस हफ्ते भी सारे क्रिप्टो करेंसीज ने एक बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाया। जहां बिटकॉइन $31,000 के मार्क के अराउंड रहा, वहीं इथेरियम भी $2,000 के अराउंड ही रह पाया। डोजकॉइन और शिबा इनू ने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स देखे, पर उनके ओवरऑल वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं आया। वहीं कुछ दिनों टेथर USD कॉइन और बाइनेंस USD जैसे स्टेबल कॉइन्स ने छोटे मोटे प्रॉफिट्स देखे और कुछ दिनों स्टेबल कॉइन्स ने थोड़े बहुत लॉसेस भी सफर करे। और इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट की वैल्यूएशन रही कुछ $1.28 ट्रिलियन के अराउंड। दोस्तों इस हफ्ते जो मार्केट है वो पिछले 24 घंटों में 0.94% डाउन रही। इथेरियम जो है उसने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत घाटा देखा। बिटकॉइन ने भी घाटा देखा 0.47% पे और REQ जो है उसको 0.85% का मुनाफा देखने को मिला। सबसे ज्यादा गेन किया बैंड प्रोटोकॉल ने 19.26%। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो की सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए CoinSwitch ऐप को, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। तो दोस्तों क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग से कितनी बेहतर हो सकती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.